हेलो नमस्कार सभी प्यारे कृषि योद्धाओं का SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JET 2023 में जब भी आपका एडमिशन होगा तो कॉलेज में आपका क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, आपको हॉस्टल मिलेगा तो हॉस्टल का क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या फूड चार्ज भी अलग से लगता है, टोटल चार साल में या फिर एक साल के हिसाब से आपका कितना खर्चा होगा, उनसे लेके काफ़ी मेरे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं या फिर कमेंट आ रहे हैं तो उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि JET 2023 से रिलेटेड जितने भी जो वीडियो है काउंसलिंग स्टार्ट होकर रिजल्ट से लेके आपका कॉलेज में जाने तक हेल्प करने वाला एकमात्र चैनल मिलेगा और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चले। और फीस स्ट्रक्चर इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो एकदम मतलब पैसे वाली फैमिली से होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब बहुत पुअर फैमिली से होते हैं, कुछ नॉर्मल फैमिली से होते हैं, तो उनके हिसाब से फीस स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप काउंसलिंग करो तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। अगर आपने कट ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कट ऑफ वाली वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ जाके आप कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ इस बार जाने वाली है। कैटेगरी के हिसाब से सभी यूनिवर्सिटी की सभी कॉलेजेस की अलग अलग कट ऑफ बताई गई है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप JET 2023 में हर चीज़ में कोई भी गलती नहीं करना चाहते, काउंसलिंग में हेल्प हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। और भी कोई डाउट हो तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखें, इन पर मैसेज कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर, तो नॉर्मल और पेमेंट शीट सबकी फीस स्ट्रक्चर एकदम डिटेल में जानेंगे। आपके कोई भी डाउट हो तो वीडियो पहले पूरा देखें उसके बाद में कमेंट करें, आपकी सारी चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे MPUT उदयपुर की। ये जो मैं फीस बता रहा हूँ एक थोड़ा ध्यान से समझा दूंगा मैं आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक मैं आपको कॉलेज फीस बताऊंगा, एक हॉस्टल फीस बताऊंगा। सबसे पहली बात ये है कि सभी कॉलेजों में हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, लगभग राजस्थान की 10 कॉलेजें ऐसी मिलेगी आपको, 10 से 12 कॉलेजें जिसमें हॉस्टल मिलेगा, वो भी मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि किस किस कॉलेज में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेगी। सारी यूनिवर्सिटी कैंपस में भी फैसिलिटीज़ हॉस्टल की नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर लास्ट में जाके वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो टोटल कितना खर्चा आएगा, बाहर रूम लेने पर कितना खर्चा होता है, तो सारी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक एक चीज़ है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो MPUT यूनिवर्सिटी की जो आपकी कॉलेज की फीस है, नॉर्मल सीट अगर आपको मिल गई है, मैंने आपको नंबर भी बता दिए, इस नंबर पे आपके इतने नंबर आ रहे हैं, 13 से 15 हज़ार पर सेमेस्टर फीस की बात कर रहा हूँ। एक सेमेस्टर में आपके 13 से 15 हज़ार मान लो एक सेमेस्टर की फीस लग रही है, यानी कि एक साल में आपकी 30 हज़ार तो फीस लगेगी, उसके बाद में 30 हज़ार ही आपका हॉस्टल चार्ज लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका फूड चार्ज है वो अलग लगता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी, कुछ कॉलेजें ऐसी होती है जो 15 हज़ार रुपये पर ईयर के हिसाब से चार्ज लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होती है जो पर सेमेस्टर के हिसाब से हॉस्टल का चार्ज लेते हैं, लेकिन जो आपके कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा पर सेमेस्टर के हिसाब से लगता है। और बात करता हूँ मैं MPUT यूनिवर्सिटी के बारे में, तो MPUT की जो पेमेंट सीट की फीस है वो 88,000 फीस है, हॉस्टल की फीस है वो चाहे आपकी पेमेंट सीट हो चाहे आपकी नॉर्मल सीट हो, बराबर पेमेंट मतलब फीस है हॉस्टल की बराबर लगती है। आप चाहे पेमेंट सीट पे एडमिशन लो चाहे नॉर्मल सीट पे एडमिशन लो, आपको मतलब जो क्लास में ट्रीट किया जाता है वो एकदम इक्वल ट्रीट किया जाता है। बस सिर्फ शर्त एक ही है कि पेमेंट सीट में आपका फीस ज़्यादा लगता है, नॉर्मल सीट में है आपका फीस कम लगता है। तो नॉर्मल फैमिली से जितने भी स्टूडेंट हैं वो MPUT यूनिवर्सिटी की पेमेंट सीट को कभी भी फिल ना करें, अगर कोई भी गलती हो तो ये आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर काउंसलिंग करनी चाहिए। और जब भी काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं आपको एक एक चीज़ें हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं MPUT की, आप फीस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इतना इसका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज SKN जोबनेर के अंदर। अब एक बात यहाँ से समझ लेना कि MPUT यूनिवर्सिटी के अंदर में जैसे भीलवाड़ा है और भी जितनी भी जो कॉलेजेज MPUT के अंडर में आती है, कि यानी कि डिग्री MPUT देती है, उनकी फीस है वो एकदम सेम ही लगेगी। ऐसी नहीं है आप सोचोगे कि भाई भीलवाड़ा कॉलेज है, ओल्ड गवर्नमेंट मतलब ओल्ड कॉलेज है जितनी भी है तो उनकी फीस जिस यूनिवर्सिटी से वो कॉलेज जुड़ा रहेगा उतनी ही फीस उस कॉलेज मतलब उसको भरनी पड़ेगी, ठीक है।
अब बात करता हूँ मैं एसकेएन जोबनेर के बारे में। तो नॉर्मल सीट की फीस है वो 11 से 12 हज़ार है और पेमेंट सीट की फीस है वो 35 से 38 हज़ार के बीच में है। फीस मैं इसलिए बता रहा हूँ एकदम फिक्स कब होगी, जब आपके काउंसलिंग का पोर्टल आएगा उसी टाइम एकदम फीस होगी, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 500, 1000 या 200, 300 रुपये इतना ही वेरी करता है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं 35 से 38 हज़ार के बीच में आपके पेमेंट सीट की फीस रहती है और 11 से 12 हज़ार रुपये आपको नॉर्मल सीट की पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस पे करनी पड़ती है। हॉस्टल फीस होती है वो 12 से 15 हज़ार रुपये आपको पे करनी पड़ती है, 12 से 15 हज़ार रुपये लगता है। ठीक है, यह हो गई आपकी एसकेएन, और एसकेएन के अंडर में जितनी भी जो भरतपुर की जितनी कॉलेजें हैं, अलवर की कॉलेज हैं, जितनी भी जो कॉलेज हैं एसकेएन के अंडर में आती हैं उन सभी की फ़ीस हैं वो 11 से 12 हज़ार नॉर्मल सीट पे होती है, पेमेंट पे 35 से 38 हज़ार होती हैं, और जो भी आपके हॉस्टल अलॉटेड होते हैं उनके 10 से 12 हज़ार होते हैं। फूड चार्ज अलग से लगते हैं, फूड चार्ज कैसे कटते हैं, कितना लगता है वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो आपके इस वीडियो से सारे डाउट एकदम फीस स्ट्रक्चर को लेकर ख़त्म हो जाने चाहिए। ठीक है, अगली मैं बात करता हूँ SKRU बीकानेर। ठीक है, तो स्वामी केशवानंद की जो फीस है नॉर्मल सीट की 15 से 16 हज़ार फीस है, पेमेंट सीट की इसकी 40 हज़ार फीस है, और हॉस्टल की फीस है वो 10 से 12 हज़ार है। आपको नॉर्मल सीट हो या पेमेंट सीट हो वो कोई मैटर नहीं करता, हॉस्टल की फीस सबकी इक्वल लगती है। ओनली आपकी अकेडेमिक फीस यानी कि कॉलेज की जो भी फीस होती है वो पेमेंट सीट पर ज़्यादा लगती है और नॉर्मल सीट पर आपकी फीस है वो कम लगती है। तो ये थी नॉर्मल और पेमेंट की। SKRU के अंडर में जितनी भी जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेजें आती हैं, ठीक है, जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फीस ये है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की फीस अलग है, वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ AU जोधपुर के बारे में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, जोधपुर मंडोर, जिसकी फीस स्ट्रक्चर है वो 13 से 15 हज़ार है। ठीक है, किस मतलब 13 से 15 हज़ार आपकी नॉर्मल सीट पे लगेगी और पेमेंट सीट की आपकी फीस है वो 35 से 37 हज़ार पर सेमेस्टर है। लेकिन बात ये है कि लास्ट ईयर तक जोधपुर यूनिवर्सिटी में मतलब हॉस्टल नहीं था, हो सकता है इस बार या अगले बार से आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज मिल जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में आपकी मतलब हॉस्टल नहीं है। बात करूँ मैं सुमेरपुर पाली जो भी जोधपुर की मतलब अंडर में कॉलेज आता है उनकी फीस 13 से 15 हज़ार, पेमेंट की 35 से 37 हज़ार। बात करूँ मैं कॉलेज ऑफ नागौर, एग्रीकल्चर ऑफ नागौर, नागौर की जो फीस है वो फीस एकदम सेम है, लेकिन नागौर है जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, उसके अंदर हॉस्टल है जिसकी आपके हॉस्टल की फीस है वो 10 से 15 हज़ार पर सेमेस्टर के हिसाब से लगती है, लेकिन फूड चार्ज है वो आपके सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग लगता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कोटा के बारे में। तो कोटा में जो भी आपकी फीस है 10 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर लगता है। जैसे मान लो मतलब झालावाड़ में जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की कॉलेज है आपको मान लो नॉर्मल सीट वहाँ मिला है तो 10 हज़ार रुपये आपको नॉर्मल सीट पे फीस पेमेंट करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर के हिसाब से, और पेमेंट सीट है उनकी 35 हज़ार पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस लगती है। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसका हॉस्टल है झालावाड़ में, आपको हॉस्टल मिलेगा लेकिन आपके कोटा के अंदर अभी तक हॉस्टल की फैसिलिटीज स्टार्ट नहीं है। हो सकता मे बी इस साल से आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज मैं मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टार्ट हो जाए, बाहर रहना पड़ता है ज़्यादातर स्टूडेंट बाहर ही रहता है। ठीक है, तो कोटा यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपने जान ली, झालावाड़ में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाएगी लेकिन वहाँ फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट ही जा सकते हैं, एग्रीकल्चर की वहाँ पर्टिकुलर सीटें नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। कोटा यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं मेन कैंपस, तो ICR का एक्रीडेशन अभी कोटा यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर को नहीं मिला है। कोटा यूनिवर्सिटी की हॉर्टिकल्चर कॉलेज एकमात्र ऐसी कॉलेज है जो ICR के एक्रीडेशन के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जितनी भी जो आपकी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजें खुली हैं उनके फीस कितना। एक बार मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, आपकी जो भी मतलब ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फीस है, मान लो बाड़मेर की कोई कॉलेज है, ठीक है, और सुमेरपुर पाली की, नागौर की, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी की जो फीस लगती है वही उन यूनिवर्सिटी की फीस लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे रही है उसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लग रही है। ठीक है, मान लो आपका सिलेक्शन बाड़मेर हो गया तो आपको नॉर्मल सीट पे तो आपको 13 से 15 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर फीस देना पड़ेगा। हो सकता है एक दो साल में आपका बाड़मेर में भी हॉस्टल बन के तैयार हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों को फीस का बारे में अलग मैटर है तो उनके बारे में बता देता हूँ कि लास्ट टाइम से जब भी आपके न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुए थे फीस थी ओनली 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ती थी। फॉर्म फीस होती वो थोड़ी मतलब अलग लगता है, जो भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं उसको 1500-2000 रुपये में भी सब कॉलेजों में अलग अलग ही लगता है। ठीक है, कुछ कॉलेज होती है जो साथ में ऐड कर लेते हैं लेकिन कुछ कॉलेज होती है वो आपसे अलग लेती है। ठीक है, 500 रुपये, लेकिन इस बार की न्यू गाइडलाइन के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आपके न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों की है वो फीस थोड़ी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक 500 रुपये थे, मैं 100% श्योर
नहीं हूँ कि इस बार भी आपकी फ़ीस बढ़ाई, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी आपकी फ़ीस बढ़ा देगी, ज़्यादा नहीं होगी, 5,000 के समथिंग पर सेमेस्टर के हिसाब से मुझे फ़ीस लग रहा जहाँ तक। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको वो लास्ट ईयर की तरह 500 रुपये ही आपको जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ईयर ही मतलब ओपनिंग हुई थी कॉलेजों की, तो पूरा फीस स्ट्रक्चर का एकदम डेटा सही से सेट नहीं था, तो 500 रुपये लिया। इस साल मुझे लग रहा है थोड़ा आपका फीस बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपको मतलब प्रोफेसर वगैरह फैकल्टी मिलेगी तो उनको पे करना पड़ेगा और वो आपके फीस पे ही डिपेंडेबल होते हैं सारे, ठीक है। तो ये हो गई आपके न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। अब कुछ कॉलेजें ऐसी हैं, मैं मतलब एक दो कॉलेजें ऐसी हैं जो मैं पर्टिकुलर जब कॉलेजों का हॉस्टल बताऊंगा उसके साथ मैं आपको ऐड करके बता दूंगा, जिनका नाम भी अलग ही होता है, ठीक है, लेकिन वो होती है। जैसे जोबनेर के अंडर में एक दो कॉलेज आती है, बांसवाड़ा की कॉलेज है, तो इनकी जो फीस होती है वो आपकी 2,000 से 3,000 के पर सेमेस्टर होती है, ठीक है। एक बात याद रखना, जो भी मैंने आपको फीस बताई है, वो पर सेमेस्टर लगती है, यानी कि साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन आपकी जो एकेडमिक स्टडी होती है वो 3rd ईयर तक ही होती है। 4th ईयर में आपका पूरा प्रैक्टिकल होता है, प्रेजेंटेशन में आपको 4th ईयर कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ी फीसें हैं, जैसे जैसे आपका ईयर आगे जाएगा, 2nd ईयर में जाओगे, 3rd ईयर में जाओगे, तो आपकी फीस है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो आप मान के चलो, मैं एक मतलब समझा देता हूँ आपको सिंपल वे में। मान लो आपको MPUT मिला है, ठीक है, MPUAT RC कॉलेज मिला है, अब इसकी फीस जाननी है हमें, नॉर्मल सीट है हमारे पास में, एक सेमेस्टर में हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा, तो मान लो एक साल में मानता हूँ मैं, ठीक है, 30,000 आपकी फीस प्लस 30,000 आपका हॉस्टल प्लस लगभग 20,000 से 25,000 आपका फूड चार्ज होता है, लगभग मान के चलो आपका 80,000 से 85,000, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है वो फूड चार्ज बहुत कम लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजें ऐसी होती हैं जो आपका 20,000 के समथिंग एक हॉस्टल का होता है वो पूरे लिए। तो बात करता हूँ मैं बीकानेर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हॉस्टल का फीस है वो आपका अलग अलग सेमेस्टर के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हॉस्टल का एक ही साथ देना, लेकिन फूड चार्ज होता है वो हमेशा अलग देना पड़ता है, ठीक है। तो हॉस्टल वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी में, जहाँ तक मेरे एक दो दोस्त मिले हैं, कुछ ऐसी कॉलेज हैं जिनका हॉस्टल चार्ज होता है वो आपका एक ही बार लगता है, 10 से 15,000 ही लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एकदम क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ कुछ प्राइवेट कॉलेजों के बारे में, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। देखो, ये है आपका प्राइवेट कॉलेज का स्ट्रक्चर। जो एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज हैं उनके 35,000 से 45,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज का फीस लगता है, और जो विदाउट एफिलेटेड कॉलेज है कोई मतलब नहीं। देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिलेटेड का मतलब होता है कॉलेज आपका प्राइवेट होगा, मान लो एक जयपुर में कोई कॉलेज है और जो एफिलेटेड कॉलेज है वो डिग्री आपको SKN की देगा, ठीक है, उसकी फीस लगेगी आपकी 35,000 से 45,000 रुपये पर सेमेस्टर, और हॉस्टल चार्ज अगर आप बाहर रहते हो तो वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट है, तो लगभग 60,000 से 70,000 फूड चार्ज के आपका हॉस्टल चार्ज लगता है, 60,000 प्लस ही मान के चलो 60-70,000 के समथिंग पड़ेगा, यानी कि आपका एक साल में लगभग 1.5 लाख के समथिंग खर्चा होगा, कि इसमें जब आप एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हो, लेकिन आप एकदम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपका 2 लाख के समथिंग है, ये के नहीं है, 2 लाख, 2 लाख के समथिंग आपका पर ईयर खर्चा पड़ने वाला है। तो जो भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भूल में ही आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना ले, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें हॉस्टल नहीं मिले, सारी कॉलेजों में हॉस्टल नहीं है और सारी कॉलेज हैं वो मतलब हॉस्टल के चार्ज हैं वो सेमेस्टर के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से उसी हिसाब से लेते हैं, तो वो आप टेंशन मत लो, 10-15,000 कोई मैटर नहीं करता है। मान लो 30,000 रुपये आपका हॉस्टल का पर ईयर लगता है, 20,000 फूड चार्ज, या 40 से 50,000 मान के चलो आपका हॉस्टल का खर्चा, ठीक है। एक बार मैं टोटल आपको खर्चा बता देता हूँ कितना खर्चा आपको होता है, ठीक है। देखो, 40 से 50,000 आपको टोटल खर्चा हो जाएगा हॉस्टल का रहने का, ठीक है। आपका 30,000 मान लो, 25 से 30,000 आपका हो जाएगा खर्चा कॉलेज का, यानी कि 70,000 से 80,000 तक आप चाहे कहीं पे भी रहोगे तो एक साल के खर्च होंगे, कहीं पे भी रहो, ठीक है। उसके बाद में
मान लो आपको कोई पेमेंट सीट मिली है तो आपका जो खर्चा है वो 1.5 लाख के समथिंग आपको पर ईयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फैमिली, कितना भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, तो एग्रीकल्चर जैसे आप प्रोफेशनल कोई कोर्स करते हो तो 1 लाख रुपये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। 1 लाख में अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं। और जो बहुत मतलब पुअर फैमिली से हैं जिनकी पढ़ने की कंडीशन एकदम भी नहीं है, तो वो ऐसी कॉलेजों में, 2-3 कॉलेजें ऐसी आती हैं उनमें एडमिशन ले लेना जिनमें आपका फीस बहुत कम लगता है, और उनमें बाहर रूम लेके रहते हो तो आपका खर्चा पड़ेगा, देखो 2 से 3 हज़ार रुपये आपका रूम का चार्ज मान लो, उसके बाद में आपका लगभग 3 से 4 हज़ार फूड चार्ज मान लो, ठीक है। 3 और 2 5 या 6 से 7 हज़ार आप मान लो, 6 से 7 हज़ार पर मंथ, यानी कि साल के 70 हज़ार वो हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो वहाँ आपका 50 हज़ार पर ईयर खर्चा होगा, और जब आपको बाहर हॉस्टल मिलता है या बाहर आप रूम लेके रहते हो, हॉस्टल लेके रहते हो, तो 70 से 80 हज़ार का खर्चा हो जाएगा, विदिन आपकी प्रॉब्लम और होती है, ठीक है। तो सारी जगह आपको हॉस्टल अवेलेबल नहीं होगा। अब बात इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो CUET का एग्ज़ाम फाइट करके आप अच्छी जगह जाइए, और CUET में अगर आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो लगभग 50 हज़ार तक आपका साल है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस कर ली है, आपके पेमेंट सीट, प्राइवेट कॉलेजों की फीस, गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी जो फीस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने आज की इस वीडियो में आपकी समाप्त कर दी है। आई होप आपको सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। मिलते किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का YouTube चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।